हेलो डियर स्टूडेंट, हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम्स के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो ब्लास्टिड है उसमें पाए जाने वाले डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, उसका डीएनए के बारे में पढ़ा, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और उसमें पाए जाने वाले जो क्लोरोप्लास्ट जो डीएनए हैं उसके बारे में पढ़ा। देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कोरेंस एक्सपेरिमेंट्स ऑन मेलाविज जलापा, और जो क्लोरोप्लास्ट जो जीनोम है उसको हम प्लास्टर डीएनए के नाम से जानते हैं। सर्कुलर पाया जाता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोप्लाज्म जो डीएनए है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट से संबंधित जो एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में जाना वाला है तो ये नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस की श्रेणी में आता है। इसमें मेंडल्स की कोई सी भी लॉज में काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत रैंडम होता है, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है। देन उसके बाद में जो क्लोरोप्लास्ट जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन पाई जाती है। सोमेटिक सेग्रीगेशंस प्लांट्स में पाया जाता है, इसमें सोमेटिक सेग्रीगेशन इन प्लांट्स। और इसके अलावा इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द न्यूक्लियर जीन्स, क्लोरोप्लास्ट के जो जीन्स हैं और न्यूक्लियर जीन्स हैं उनका एक दूसरे से किसी तरह का कोई तालमेल नहीं होता है, किसी तरह की उनकी कोई बाध्यता नहीं होती है, किसी तरह की उनके साथ में किसी तरह का कोई पैटर्न नहीं होता है कि न्यूक्लियर जीन्स कैसे ट्रांसफ़र होगा तो फिर उसके साथ में क्लोरोप्लास्ट किस तरह से ट्रांसफ़र होगा। तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते हैं, न्यूक्लियर जीन्स अलग रेप्लिकेट होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो जो जीन्स हैं वो अलग रेप्लिकेट होते हैं, न्यूक्लियर जीन्स अलग से इनहेरिटेट होता है और ये क्लोरोप्लास्ट जो जीन्स हैं वो अलग प्रकार से इनहेरिटेंस मतलब एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो जो डीएनए हैं वो कंजर्वेटिव रेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सब्स्टिट्यूशंस पाया जाता है, अनेबल टू रिजोल्व प्लांट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एट डीट लेवल ऑफ इवोल्यूशन। इसमें फैमिलियर लेवल है, मोनो डाइकोटिलेडंस हैं। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म जो डीएनए रीजन्स हैं उसमें क्या क्या होते हैं, एक तो इंक्लूड लार्ज सिंगल कॉपी LSC, ये LSC ये इस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो एक इसमें कौन कौन से रीजन्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, एक तो लार्ज सिंगल कॉपी LCS और दूसरी होती है स्मॉल सिंगल कॉपी SSC, स्मॉल सिंगल कॉपी रीजन्स, ये यहाँ से यहाँ तक। देन इसके बाद में इन्वर्टेड रिपीट्स, ये इन्वर्टेड रिपीट्स इधर भी है, इन्वर्टेड रिपीट्स ए और बी, ये इन्वर्टेड रिपीट्स कॉमनली पाए जाते हैं यूकेरियोटिक जीनोम में भी, यहाँ पर भी पाई जाती है। और वेरिएशन इन लेंथ मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेड रिपीट, ये इन्वर्टेड जो रिपीट्स हैं इन्हीं के कारण जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए है उसकी लंबाई या लेंथ है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये तीन मेजर रीजन्स होते हैं प्रत्येक जो क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है। और जो अगर इसके डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में इसमें जीन कंटेंट हाईली कंजर्वड होते हैं, जो जीन्स हैं वो बहुत ही कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं और उनमें किसी तरह का जेनेटिक एक्सचेंज नहीं होता है। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हैं, सेमी ऑटोनोमस एज वी नो दैट बोथ प्रोकैरियो बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग हैं, क्योंकि ये बहुत सारी एक्टिविटी की को अपनी स्वयं की कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास में खुद के जीन्स होते हैं। जीन्स होने का फायदा क्या है कि ये अपनी प्रोटीन का निर्माण खुद कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो ये खुद नहीं बना सकता है, उसके लिए डिपेंड रहता है न्यूक्लियर जीन्स पे, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस
ऑर्गेनेल्स के नाम से हम जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डीएनए में अगर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो रुबिस्को एंजाइम्स हैं, रुबिस्को एंजाइम्स की बहुत सारी कॉपी जी जो न्यूक्लियर जीन्स हैं उसके द्वारा फॉर्मेशन होता है, और कुछ कॉपी मेजोरिटी ऑफ कॉपी तो क्लोरोप्लास्ट खुद कर लेता है, लेकिन कुछ कॉपी उसकी कुछ जीन्स जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होते हैं वो हमें मिलते हैं वहाँ से न्यूक्लियर जीन्स से। तो ये फुली फंक्शनल नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें ये खुद कर लेता है, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट रहता है न्यूक्लियर जीनोम में, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। हाईली पॉलीप्लॉइडी जीन्स पाए जाते हैं, जैसे हमने पहले बताया सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, और अंदर की जो मशीनरी है वो एक बैक्टीरियल सेल्स की तरह होती है, प्रोकैरियोटिक नेचर की तरह होती है। 70s राइबोसोम्स से मिलते हैं। मोस्ट प्लांट जीनोम हैव टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ 20 to 30 किलो बेस पेयर इन्वर्टेड रिपीट्स। ये इन्वर्टेड रिपीट्स प्रत्येक जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें पाई जाती है, और ये बहुत ही आइडेंटिकल होती है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, मतलब उसमें जीन्स वगैरह कहाँ पर पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट डीएनए कंस्टिट्यूट 10 to 20% ऑफ टोटल सेलुलर डीएनए कंटेंट्स। तो क्लोरोप्लास्ट जो डीएनए है उसमें करीब जो टोटल सेलुलर डीएनए का है करीब 10 to 20% तक हो सकता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में करीब 1% तक हमने देखा था। जीनोम साइज अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो सकती है, जैसे एसीटब्लूरिया में करीब 1.5 मेगा बेस पेयर साइज होती है, जबकि ऑस्ट्रियोकोकस स्टोरी में ये करीब 86 जीन्स होते हैं इसमें। इसी तरीके से न्यूक्लियोमॉर्फ क्या है, एक फीचर ऑफ सम कॉम्प्लेक्स क्लोरोप्लास्ट हैविंग रिटेंशन ऑफ यूकेरियोटिक न्यूक्लियस एंड लोकेटेड बिटवीन द इनर एंड आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। ये ज़्यादा डीप हो जाएगा, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो दिस इज़ अबाउट द क्लोरोप्लास्ट डीएनए मॉलिक्यूल्स, और ये राइस में जो क्लोरोप्लास्ट जो डीएनए हैं उसका एक डायग्राम है, ये पूरा डीएनए मॉलिक्यूल्स है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं ये देखिएगा इसमें, और ये क्या है लार्ज एलएससी लार्ज सिंगल कॉपी है, ये लार्ज सिंगल कॉपी है, ये यहाँ से और यहाँ तक ये इसमें दर्शाया गया है, ये मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देन उसके बाद में ये इन्वर्टेड रिपीट्स हैं IR1 IR2, ये स्मॉल सिंगल कॉपी है, ये SSC स्मॉल सिंगल कॉपी, और उसके बाद में ये जो इसके जो जीन्स हैं ये पूरा सर्कुलर डीएनए है, और किस डीएनए में कौन सा जीन कहाँ पर लोकेटेड है इसके बारे में पूरी ये कोडिंग है, जैसे ये यहाँ पे लिख रखे हैं, ये बहुत ही माइन्यूट हैं, और इनमें इनके आधार पर हम बता सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा जीन कहाँ पर स्थित होता है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है तो जो फंक्शन होते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए के उनको हम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारी डिजीज़ होती है, डिजीज़ को कॉज करने वाले जो अगर कोई ऐसी डिजीज़ है जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए की वजह से प्लांट्स में हो रही है, तो हम उसको भी आइडेंटिफाई करने में उसकी हमें सहायता मिल सकती है। तो ये पूरी एक तरह से इसको फिजिकल मैपिंग बोलते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स की। तो ये राइस का जो क्लोरोप्लास्ट है उसके डीएनए की फिजिकल मैपिंग है, इसमें पूरा ये चित्र होता है, एक तरह से डायग्राम होता है, और इसमें पूरे जो जीन्स लोकेटेड रहते हैं कौन सी जगह कहाँ पर लगे होते हैं वो सारा इसमें दर्शाया गया है। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्लाज्मिड्स, बिकॉज प्लाज्मिड इज ऑल्सो अनदर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम्स।